वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक क्विक एंड इजी रेसिपी, मटर का पराठा, जो सर्दियों में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और अगर इसे घर की बनी हुई टमाटर की मीठी चटनी के साथ खाई जाए ये और भी टेस्टी लगता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल हरा मटर, बारीक कटा प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई लहसुन, कटी हुई हरी धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, तेल और आटा। सबसे पहले हम पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च और उसको चलाते हुए थोड़ा लाल कर लेंगे जब तक कि लहसुन थोड़ा लाल ना हो जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, उसको चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। अब हम ऐड करेंगे इसमें हरे मटर के दाने और उसको चलाते हुए प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और उसको चलाते हुए एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। हमारे मसाले मटर के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। गैस को स्लो कर देंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि हमारा मटर अच्छी तरह से पक ना जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा मटर अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और मटर को चेक कर लेंगे। हमारा मटर अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखिए। अब मटर को थोड़ी देर हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें पानी का यूज़ ना करें। हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम लोग पेस्ट को लेकर इस तरह से एक बॉल बनाकर तैयार कर देंगे इस तरह। दूसरी तरफ हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे आटा, नमक और तेल, इसको मिक्स करके पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। मटर का पराठा का डो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए इस तरह से। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर इसके चारों तरफ लगा देंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इधर हम पराठा बनाने के लिए लोई लेंगे और लोई को रोल करने से पहले हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और लोई को रख कर इसे हम बेलेंगे। फिर इसको हाथों में लेकर मटर का बनाया हुआ बॉल बीच में रखकर चारों तरफ से कवर करेंगे और उसका एक्स्ट्रा पार्ट का आटा निकाल कर उसको अलग रख देंगे। फिर हम आटा स्प्रिंकल करेंगे और उसको रोटी की तरह बेलेंगे इस तरह से। इसे ज़्यादा प्रेस करके ना बेलें, इसे हमेशा सॉफ्ट हाथ से ही बेलना चाहिए। अब इसको लेकर हम गर्म तवे पे डालकर सेकेंगे। जब पराठा एक साथ सेक जाए तो हम इसे पलटेंगे और इसके ऊपर घी या तेल लगाएंगे। इसे दोबारा फिर पलटें और उसके ऊपर घी या तेल लगाएं। पराठे को दबाते हुए सेकना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और उसको दबाते हुए सेकें ताकि हमारा पराठा कच्चा ना रह जाए और ये कुरकुरा लाल सा सिक जाए इस तरह। जब ये सिक जाएगा तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख लें और इसी तरह हम अपने सारे पराठे को सेक लेंगे। हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें। हमारे मटर के पराठे बनकर तैयार है। इसे मीठी या हरी चटनी किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।